आज हम यहाँ मोगी माता के बारे में जानेंगे। यहाँ मोगी माता का इतिहास। भारत में मंदिर बहुत भिन्न हैं। आदिवासी समाज में विभिन्न मंदिर और उन मंदिरों की सामाजिक आर्थिक संरचना अलग अलग है। नर्मदा जिले के सागबारा तालुका में देवमोगरा तीर्थ यात्रा की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक संरचना पर बहुत कम शोध किया गया है। आदिवासी देवी मानी जाने वाली पंडोरी माता उर्फ याहमोगी माता नर्मदा जिले के देवमोगरा में एक तीर्थ स्थल है। देवमोगरा नर्मदा जिले के पूर्वी भाग में सतपुड़ा पहाड़ों की तलहटी में सागबरा तालुका में घने जंगल में एक प्रसिद्ध स्थान है। शिवरात्रि पर आदिवासियों का भव्य जमावड़ा होता है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को हलोदाप कहा जाता है। इसे एक प्राकृतिक और दर्शनीय स्थल भी माना जाता है। इस गाँव के लोगों का व्यवसाय कृषि, कृषि श्रम और पशुपालन है। इसके अलावा यहाँ के लोग महुदा के फूलों के साथ साथ गौण वन उत्पादों जैसे बीज, खाकरा के पत्ते, तिमरू के पत्ते, करंज के बीज आदि को इकट्ठा करके अपनी आजीविका कमाते हैं। देवमोगरा माता जी के दर्शन करने वाले श्रद्धालु। देवमोगरा माता में हर साल पुरानी परंपरा के अनुसार यहाँ मोगी पंडोरी देवमोगरा माता जी का मेला लगता है। यह मेला 5 दिनों तक चलता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु देवमोगरा माता जी के दर्शन करने आते हैं। देवमोगरा माता जी आदिवासी देवता हैं और यहां गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के आदिवासी माता जी के मेले में आते हैं। यहां देवमोगरा यहां मोगी माँ का मंदिर है और इसलिए यहां देवमोगरा की जगह कई लोग आते हैं। यहां मोगी देवमोगरा माता मंदिर का इतिहास। यहाँ मोगी माता सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिण में अंतिम सीमा के तल पर स्थित है, जो सागबारा तालुका जिला नर्मदा में है। यह स्थान सागबारा से दड़ियापाड़ा रोड पर का नबी पिठा गांव से 10 किमी उत्तर पूर्व में है, हटा दिया गया। यहाँ मोगी माता के इस स्थान को हेलोदाब शीत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह जगह देवमोगरा गाँव में स्थित है। इस गांव का नाम यहां मोगी के नाम पर रखा गया है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक जगह है। 40 साल पहले उस घर की तरह मिट्टी की झोपड़ी में मिट्टी का घर और मिट्टी की दो झोपड़ियां थी, उनमें से एक के अंदर यामोगी की मां को रखा गया था और कालिका की मां को दूसरे चारपाई में रखा गया था। वह कमरे में आए मेहमानों को देख रहा था। यामोगी के उत्तर में एक ककड़ी का पेड़ था और दूसरा एक खाकर्य वृक्ष था, दोनों बहुत महत्वपूर्ण पेड़ जिनके फूल और फल उस दिशा के लिए अच्छे होंगे जिसमें वे उस वर्ष की बरसाती फसलों की सिंचाई करेंगे, भविष्यवाणी कर रहा था। और जिस दिशा में इन दोनों पेड़ों के फल और फूल कम होते हैं या नहीं उगते हैं, उस दिशा में मानसून की फसलें अच्छी नहीं मानी जाती थीं। हालांकि अब कंक्रीट का मंदिर बनने के बाद दोनों पेड़ मुरझा गए हैं, इसलिए यहां महाशिवरात्रि पर मेला लगता है। कुछ लोग घूमने आते हैं। मेले के दौरान 8 से 10 लाख लोग देवमोगरा माता के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ मोगी माता और कालिका माता की आदिवासियों द्वारा 6ठी शताब्दी से पूजा की जाती रही है और इस देवी की पूजा आदिवासी समाज की परंपरा के अनुसार की जाती है। माताजी के सामने भोजन और मुर्गियों और बकरियों का प्रसाद दिखाया जाता है। 30 साल पहले माँ के सामने ही मुर्गियों और बकरियों का वध किया जाता था, लेकिन फिर 3 या 4 ब्राह्मण माताजी के पास आए और उन्होंने मुर्गियों और बकरियों का वध बंद कर दिया। लेकिन यह आर्य ब्राह्मणों के कुल देवता नहीं है, यह एक वास्तविक आदिवासी परिवार के कुल देवता हैं और चूंकि यह का लकुंडी का स्थान है, वह थी पवित्र स्थान दिया। बलिदान करना पड़ेगा शराब, अनाज और चिकन। वह विश्वास दृढ़ था तो कुछ साल बाद फिर से अभ्यास शुरू हुआ, लेकिन देवी के सामने नहीं। यह प्रथा अभी भी जारी है। मुर्गियों और बकरियों को देवी के दर्शन करने की अनुमति है। यहाँ ब्राह्मण विचारधारा समाप्त हो गई है और आदिवासी पुजारियों की नियुक्ति की गई है। यहाँ मोगी देवमोगरा माता मंदिर की स्थापना। लोक कथाओं के अनुसार देवमोगरा माता की स्थापना 108 ईपू में धंधी राजा देवमोगरा मंदिर की बात करें
तो इस मंदिर का निर्माण 108 ईस्वी में सागबारा के शाही परिवार ने करवाया था। आज भी शाही परिवार द्वारा उनकी पूजा की जाती है। ट्रस्ट की स्थापना प्रणाली के 19वें वर्ष के हिस्से के रूप में की गई थी। आज राज परिवार के 10वीं पीढ़ी के ट्रस्टी जयदीप सिंह वसावा ट्रस्ट के साथ मिलकर मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। मूर्ति को स्नान कराकर माताजी का विवाह समारोह मनाया जाता है। देवमोगरा माता ट्रस्ट। बेटियां थीं जिनका नाम याहमोगी रखा गया था। याहमोगी के पास महान दिव्य शक्तियां थीं। उनके दर्शन से पीड़ितों के कष्ट दूर होते थे और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती थीं। इस प्रकार याहमोगी को सार्वभौमिक रूप से एक माँ के रूप में पूजा जाता था। माँ शक्ति की कीर्ति जंगल की आग की तरह फैल रही थी। उस समय राजपंत और विनादेव नाम के एक दिव्य पुरुष माता जी के दर्शन के लिए निकले। जैसे ही माता जी को इस बात का पता चला, माता जी गायब हो गईं। माता की इस शक्ति से दोनों दिव्य पुरुष प्रभावित हुए। उन्होंने माता जी की एक सोने की मूर्ति बनाई और उसे देवमोगरा में स्थापित किया। माता की आराधना में इन दिव्य पुरुषों ने धन्य मदिरा की पूजा की और माता के चरणों में पशु पक्षियों की पूजा की। यहाँ देवमोगरा माता का राज परिवार। लोक कथाओं के अनुसार काकड़ के पेड़ के नीचे दिखाई देने वाली आदिवासी देवी पंडोरी माता देवमोगरा अपने सफेद रंग के कारण पंडो प्रकाश से प्रकाशित हुई थी। इसलिए पंडोरी माता का नाम और देवमोगरा गांव में इस दिव्य स्थान की स्थापना हुई। मोगी के इस धार्मिक स्थल में भी महाकाली है। लोक कथाओं के अनुसार कालिका माता जी ने सागबारा निवासी राजवी फतेह सिंह वसावा को सपने में देखा और कहा कि वह तापी के किनारे बसरोत गांव के एक मछुआरे के जाल में बैठी नदी के किनारे आई हैं। नदी में याहमोगी से दूर रहना चाहता हूं। मुझे वहां बिठाओ। उस समय राजावी कालिका माता जी को याहमोगी के देवमोगरा ले आए और उन्हें वहीं स्थापित कर दिया। याहमोगी माता जी की तरह कालिका माता जी को भक्ति भाव से देख भक्त स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। यहां मोगी देवमोगरा माता मंदिर। लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना राजा ढांडी ने 102 ईसा पूर्व में की थी। इस देवमोगरा माता की सोने की मूर्ति 16 अगस्त 2018 को चोरी हो गई थी। फिर एक नई मूर्ति स्थापित की गई। पहले माँ का मंदिर कच्चा घर था, लेकिन बाद में 12 अप्रैल 1990 को नए घर की नींव रखी गई और यह काम लगातार 12 वर्षों तक जारी रहा और 2006 से 2008 में इस मंदिर की लागत ₹250,600। इस मंदिर के निर्माता राजस्थान और महाराष्ट्र के कोडिया थे। उन्होंने कई बारीक नक्काशी करके इस मंदिर का निर्माण कराया है। इस मंदिर में देवमोगरा माता और कालिका माता की मूर्तियां पाई जाती हैं। इसे देखने बहुत लोग आते हैं। यहां मोगी देवमोगरा माता का पहनावा। इस मंदिर में मिट्टी के घड़े में माता की स्थापना की जाती है। उन्हें कोनी माता के नाम से भी जाना जाता है। माता की जानकारी है कि पांडुरी माता की मूर्ति नंदुरबार जिले के साथ साथ गुजरात जिले में भी स्थित है। माता का पहनावा आदिवासी महिला का पहनावा माना जाता है। इसे खोपती कहते हैं। माँ ने हाथ में कोली ही नामक तांबे का एक छोटा सा टुकड़ा धारण किया हुआ है। यह दूध का प्रतीक है। दूसरी ओर डोडो भी है। यह रस्सी कंधे पर फेंकी जाती है क्योंकि इसका उपयोग गाय और भैंस के उत्पादन में किया जाता है। इसीलिए आदिवासी आज भी अपने कंधों पर रस्सियां ढोते हैं। इस प्रकार देवमोगरा गांव में इस आदिवासी परिवार की देवी का मंदिर है। इसका महत्व आज भी देखा जा सकता है। देव दरवानिया चौकीदार है। देव दरवानिया देव को देवमोगरी का द्वार कहा जाता है। उन्हें कालिया मामा के नाम से भी जाना जाता है। कालिया मामा कालिया भूत को देवमोगरा का संरक्षक भी माना जाता है। यदि आप सतपुड़ा की पहाड़ी पर माता को प्रणाम करने जाते हैं तो रास्ते में आप प्रथम देव दरवानिया के मंदिर में आएंगे। वहां लोगों ने सबसे पहले कालिया मामा को देखा। फिर माँ का दर्शन महत्वपूर्ण है। धूप जलाकर काले भूत के पास जाने और फिर बगला नदी में स्नान करने और माँ को प्रणाम करने की प्रथा है। माता जी के दर्शन के बाद आर्य खंबा जाना बहुत जरूरी है। पहले यह मंदिर पूर्व में था।
लेकिन अब यह दक्षिण दिशा में बना हुआ है। यहाँ मोगी माता जी का राज। समय के संयोग से जब माता ने पृथ्वी को प्रज्वलित किया तो स्वप्ना जल देवी ने 9 समुद्रों के 9 प्रकार के दाने बनाए और पृथ्वी से 9 गज नीचे एक ककड़ी के पेड़ के पास एक अमर जल प्रकट हुआ। माँ ने नया रूप लेकर दुनिया को हरा भरा बनाया है। इस प्रकार देहवाली बोली के कई नाम हैं। इनमें जल देवी, कचर देवी, गांव देवी, भीलका देवी, कनी माता, गांव देवी, कालिका माता, देव मोग्राम माता पार्वती शामिल हैं। उस समय उसकी माँ ने जो किया उसमें वह खो गया था, इसलिए उसे गुलाम बनकर गुलाम ही रहना पड़ा। माँ की आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता, वहाँ काम किया जाना है। वे पवित्र शराब सब्जी महुदा की शराब चलाते हैं, इसलिए हमारे पूर्वज पूजा के समय पवित्र शराब परोसते थे। काली मेघ के नौकर अहिरदेव, जूही देव, ये लोग आसवनी चला रहे थे और शराब के धंधे में थे, तो बात खत्म हो गई। माता जी जब अरण्यकंद पहुंची तो वहां केवल हरियाली थी। चिबिजल, उखलो, मुहलो, बगलाई नदी, नाहदी, वांगद्या, तमनिगडी, होरो पड़वानों के साथ साथ बगलोगढ़, नसरियगढ़, बेनी हेजा, दरवानियो, काकाडो, माता जी सभी विभिन्न हरे जंगलों में स्थित हैं। उसके बाद माता जी हर जगह विचरण करती हैं, यानी युग दर्शन। माता जी जहाँ भी यह काला कुल स्थित है वहाँ आदिवासी समुदाय की वेशभूषा में लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सभी ने अपने समाज को आदिवासी रूप में दृष्टि दी है। किले का नाम पक्षी के नाम पर रखा गया था। गढ़ पूजा में विश्वास को ध्यान में रखते हुए जब कानी ने एक उपपत्नी के रूप में शरण ली थी, उस किले को माता जी का अन्न भंडार कहा जाता है। वह खजाना हमेशा अटूट होता है, खासकर किले में, जैसे माता का प्रतीक शहद से भरा होता है, अनाज अनाज से भरा होता है। यह जंगल का हरा भी है। उन्होंने गांव की देवी बनकर गांव की रक्षा की है। वही माँ कला कुंडी के घर पंतपारी में रह रही हैं। वही माता कनिका सारी हुई और कुलदेवी बनी। हमारे कुल को आदि शक्ति का अवतार कहा जाता है, इसलिए एक आदिवासी परिवार की देवी के गुण। यहाँ मोगी देव मोगरा माता, ककड़ी के पेड़ का महत्व। आदिवासियों के बीच प्रकृति की पूजा में पेड़ को भगवान के समान महत्व दिया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य कई प्रकार से पेड़ों का उपयोग करता है। आदिवासी प्राचीन काल से प्रकृति की पूजा करते रहे हैं। वर्तमान वैज्ञानिक युग में भी गारमानो महुदो वृक्षों से वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है, इसलिए आदिवासियों के लिए वृक्ष पूजा गर्व और महत्व का विषय है। देवमोगरा माता ककड़ी का पेड़। शिवरात्रि के महावत चूड़ा की रात माता जी के मंदिर के पास खीरे के पेड़ से बूंदा बांदी हो रही थी। खीरे के पेड़ों के फूल के आधार पर वार्षिक वर्षा और फसल की उपज का अनुमान लगाया गया था। प्रकृति प्रेमी आदिवासी इस खीरे के पेड़ से अच्छे या बुरे साल की भविष्यवाणी किया करते थे। आसन्न सूखे की खबर को समझने के लिए भक्त एकत्र हुए। यहीं पर छप्पनिया सूखे की भयावहता की भविष्यवाणी की गई थी। लोगों को याहमोगी के चमत्कारी खीरे के पेड़ से कई चमत्कारी शक्तियां प्राप्त होती थीं। याहमोगी ने ककड़ी के पेड़ को आशीर्वाद दिया था कि इस ककड़ी के पेड़ की छाल, पत्ते आदि का उपयोग छोटी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके उपयोग से या प्राकृतिक कारणों से लोगों का इस पेड़ के प्रति विश्वास बढ़ा है। इस चमत्कारी पेड़ का जीवन छोटा हो गया है और अब इसे बदला जा रहा है। इसकी सूंड के चारों ओर एक ठोस संरचना है। शास्त्रों के अनुसार अधिकांश देवताओं को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बिली, पीपल, वड, नीम के वृक्षों पर देवताओं की कृपा बनी हुई है। जनजातियों में इस ककड़ी का फल विवाह के अवसर पर अधिक मात्रा में दिया जाता है। तो यामोगी का चमत्कारी ककड़ी का पेड़ मनुष्य को जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, यह जानना जरूरी है। यहाँ मोगी माता जी का किला, घाट और नदी। यहाँ मोगी के दक्षिण पश्चिम कोने में माता जी का किला और घाट है, जहाँ माता जी झरने के रूप में गिरते हुए अपने तालाब में स्नान करती थीं। ऐतिहासिक निर्माण जो खंडहर में है, जहाँ राजपंथ और बिना भगवान की लकड़ी की मूर्ति है, जो घोड़ों पर झुका हुआ पाया जाता है। ये दोनों देवता आदिवासी भील हैं, दोनों को वैवई माना जाता है।
और इसीलिए महाशिवरात्रि पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासी भील समुदाय के 8 से 10 लाख लोग यहां आते हैं। यहां मोगी होग। जैसे ही होग चला गया, धूप धूप से आगे निकल गई। पूजा ने रास्ते में मंदिरों की पूजा को पीछे छोड़ दिया। हाथ में बांस का हॉब यंत्र की लय और रेत की छड़ी की ताल पर चलता है। बांस से बने इस यंत्र को चारको कहते हैं। यहां मोगी तीर्थ। हॉब्स रात को मंदिर के पास बिताते हैं और सुबह स्नान करते हैं और मंदिर में तुलसी, बिली पत्र, मोरबो आदि का प्रयोग करते हैं। यहां सब कुछ सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। गढ़ पूजा, देवघाट पूजा, देवस्थान आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहां से लौटने के बाद वे नृत्य करते हैं, गाते हैं और लौटते समय कूदते हैं। यहां मोगी रक्षक पूजा। होब का गढ़ दर्शन। गढ़ पूजा देवस्थान का काम पूरा नहीं होता है। होब के घर या गांव लौटने के बाद देवरिया की पलक पूजा घर या गांव लौटने के 5 दिन बाद की जाती है, जिसमें होब के प्रकार के अनुसार प्रत्येक देरे को निर्धारित करने की विधि के अनुसार होब का मालिक सभी का सम्मान करता है। हर देवरिया ने प्रत्येक देवता की पूजा की और गलती के लिए क्षमा मांगी। यहाँ से हॉप का काम पूरा होना बताया जाता है। सभी देवरियाओं ने कुंबी काल को विदाई दी और नाच गाने लगे। यहाँ तक कि उनके अपने घरों में भी कुछ अनुष्ठान बामे